ओके, लास्ट टाइम हमने कुछ शेल थ्योरम की थी। शेल थ्योरम के बेस पे कुछ एक दो प्रॉब्लम्स भी की थी, लेकिन बीच में रह गया था। फिर आज हम वहीं से शुरू करते हैं। शेल थ्योरम के रिजल्ट्स थे कुछ। शीट नंबर 100 आप ओपन कर सकते हो, 100 नंबर शीट है आपकी। ये हमने लास्ट टाइम किया था, 100 नंबर शीट। देखो, इस शीट में हमने ये किया था कि अगर आपके पास कोई शेल है, अगर आपके पास एक शेल, एक स्फीयर जो कि अंदर से खाली है, जिसका रेडियस आर है, मास एम है, और कोई पॉइंट आउटसाइड है, कितना आउटसाइड है, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, तो यहां पर ई की वैल्यू जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, और v की वैल्यू माइनस जी एम बाय स्मॉल r। सरफेस के ऊपर अगर आना है तो स्मॉल r की जगह कैपिटल r लग जाएगा, और अगर इनसाइड आना है तो e की वैल्यू इनसाइड 0 और v की वैल्यू कांस्टेंट, कितनी, जितनी उसकी सरफेस पे है। सरफेस पे v क्या होगा इसका, माइनस जी एम बाय कैपिटल r। तो ये फॉर्मूलाज क्लियर है यहां तक, ठीक। फिर हमने सेम रिजल्ट किसके लिए किया, सॉलिड स्फेयर के लिए। सॉलिड स्फेयर का और शेल का पहला फॉर्मूला सेम है कि अगर आप कोई पॉइंट आउटसाइड लेते हो सॉलिड स्फेयर के तो शेल वाला फॉर्मूला है, अगर आप सरफेस के ऊपर लेते हो कैपिटल आर कर देना है, अगर इनसाइड लेते हो, यहां फर्क है, शेल के इनसाइड ई जीरो है, सॉलिड स्फेयर के इनसाइड ई जी एम स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का क्यूब है, और शेल के इनसाइड वी बहुत ही बड़ा फॉर्मूला जो मैंने कहा था, जो प्लस वन में नॉर्मली यूज नहीं होता, वो ये इतना बड़ा सा फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। क्या ये फॉर्मूलाज भी क्लियर है यहां तक? फिर हमने कुछ प्रॉब्लम की थी जिसमें और हाँ, एक ये भी फॉर्मूला किया था कि किसी भी सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे वी क्या होता है, माइनस 3/2 इंटू जितना भी उसके सरफेस पे होता है जी एम बाय कैपिटल आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब इसके बेस पे हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम की थी कंसेंट्रिक शेल्स की। याद करो, मैंने दो शेल्स लिए थे और मैंने ई और वी पूछा था उन कुछ अलग अलग पॉइंट्स पे। सेम अब मैं दो की जगह तीन शेल्स लेता हूं और हम सेम प्रॉब्लम को एक बार डिस्कस करते हैं ताकि हमारी थोड़ी सी रिवीजन हो जाए जहां हमने छोड़ा था और हम जो करने जा रहे हैं उसमें आपको जो है याद आ जाएगा हमने क्या किया था। तो इस प्रॉब्लम में आपके पास तीन शेल्स हैं, एक दो और तीन। तीन शेल्स हैं सच दैट मास इसका m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, रेडियस r 2r एंड 3r है। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? मेरे को कोई पॉइंट नंबर वन यहां दे दिया, पॉइंट नंबर वन यहां पे दिया मैंने, और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट वन पे मुझे ई निकालना है क्योंकि ये पॉइंट फर्स्ट शेल के इनसाइड है, तो इसका कंट्रीब्यूशन ई का यहां पर जीरो होगा क्योंकि शेल के अंदर ई जीरो होता है। सेकंड शेल के लिए भी ये पॉइंट वन इसके इनसाइड है तो ये भी कंट्रीब्यूशन क्या करेगा, जीरो। थर्ड शेल के लिए भी पॉइंट नंबर वन इनसाइड है तो इसका कंट्रीब्यूशन भी जीरो, तो टोटल ई क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। वी की बात करते हैं, यहां पर वन नंबर पॉइंट पर वी फर्स्ट शेल की वजह से क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट शेल ये बोलेगा कि ये पॉइंट मेरे इनसाइड है तो जितना पोटेंशियल मेरी सरफेस पे है उतना ही इनसाइड है, तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, माइनस जी एम वन बाय कैपिटल आर। सरफेस के ऊपर पोटेंशियल में रेडियस कैपिटल आर आता है तो माइनस जी एम वन बाय कैपिटल आर। अच्छा, मैं v, ओके, पहले सॉल्यूशन में e डिस्कस किया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में डिस्कस कर लेता हूं v को, चलो ऐसे चल पड़ता हूं। तो यहां पर 1 पे e तो क्लियर है, कोई बात नहीं, उसने फिर सॉल्यूशन में पॉइंट नंबर 2 यहां ले लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, तो स्मॉल r डिस्टेंस पे e निकालना है अकॉर्डिंग टू जो लिखा हुआ है उसमें। तो यहां पर e निकालने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट फर्स्ट शेल से बाहर है तो ये ई में कंट्रीब्यूट करेगा कितना, जी
एम वन डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, तो करेक्शन करें प्लीज, यहां पर स्मॉल आर का स्क्वायर करें प्लीज, यहां पर लिखें जी एम वन बाय स्मॉल आर का स्क्वायर स्क्वायर। क्या ये रूल क्लियर है यहां तक? अच्छा ये बताओ फिर, जो सेकेंड शेल है वो इस सेकेंड नंबर पॉइंट पे कितना ई लगाएगा? जीरो। क्यों लगाएगा? क्योंकि वो इनसाइड है, तो सेकेंड शेल के लिए पॉइंट नंबर टू सेकेंड शेल के इनसाइड है, तो ये ई में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जीरो। थर्ड शेल के लिए भी ये पॉइंट थर्ड शेल के इनसाइड है, इसका कंट्रीब्यूशन भी जीरो। तो ये क्लियर है, जीरो और जीरो क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट मैं पॉइंट चेंज करता हूं, सपोज मैं ये पॉइंट थ्री लेता हूं एट अ डिस्टेंस ऑफ आर डैश, तो बताओ फर्स्ट शेल से थर्ड नंबर पॉइंट फर्स्ट शेल के बाहर है, तो हाँ ई लगेगा। कितना लगेगा? जी एम वन बाई आर डैश का स्क्वायर, करेक्शन करो यहां पर, स्क्वायर, जी एम वन बाई आर डैश का स्क्वायर। ठीक, अच्छा सेकेंड शेल, सेकेंड शेल के लिए भी पॉइंट नंबर थ्री बाहर है, कितना बाहर है? सेकेंड शेल से डिस्टेंस सेंटर से कितना है? आर डैश, क्योंकि डिस्टेंस तो सेंटर से लेने हैं, तो सेकेंड शेल के सेंटर से भी डिस्टेंस आर डैश है, तो जी एम टू बाई आर डैश का स्क्वायर करो यहां पे, करेक्शन स्क्वायर। लेकिन थर्ड शेल यहां पर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जो थर्ड शेल है, क्योंकि वो कहता है ये पॉइंट तो मेरे अंदर है तो मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, तो जीरो। फिर मैंने पॉइंट जो ले लिया वो पॉइंट नंबर फोर ले लिया, जो कि बिल्कुल बाहर ले लिया, पॉइंट नंबर फोर का डिस्टेंस आठ डबल डैश है। अब क्योंकि ये पॉइंट जो है वो सभी शेल्स के लिए बाहर है, हर शेल इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, पहला शेल जी एम वन बाई आर डबल डैश का स्क्वायर करो यहां पे, दूसरे के लिए जी एम टू बाई आर डबल डैश का स्क्वायर करो फिर से यहां पे, तीसरे के लिए जी एम थ्री बाई आर डैश का स्क्वायर करो यहां पे, क्योंकि तीनों स्क्वायर्स के सेंटर से डिस्टेंस कितने आर डबल डैश है। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ये तीन वैल्यूज आ गई। अब एक काम करते हैं, अब हम सेम प्रॉब्लम में वी कैलकुलेट करेंगे। चलो फिर से एक बार पॉइंट नंबर वन पे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर वन बिल्कुल इसके इनसाइड है, फर्स्ट शेल पॉइंट नंबर वन पे वी लगाएगा कितना? जितना उसकी सरफेस के ऊपर है, जितना उसके सरफेस के ऊपर है उतना वी लगाएगा। कैसे? पॉइंट नंबर वन पे वी क्या लगेगा? जितना सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर कितना है? माइनस जी एम वन बाई कैपिटल आर। फिर सेकेंड शेल क्या कहेगा? क्योंकि वन नंबर पॉइंट मेरे भी शेल के इनसाइड है, तो मेरी सरफेस का पोटेंशियल लगेगा, सेकेंड शेल की सरफेस पे क्या लगेगा? माइनस जी एम टू बाई टू आर, सरफेस पे, सेकेंड शेल की सरफेस का मतलब डिस्टेंस टू आर, उतना ही अंदर लगा देगा। थर्ड शेल की सरफेस पे कितना पोटेंशियल है? माइनस जी एम थ्री बाई थ्री आर, उतना ही अंदर लगा देगा, क्योंकि वन नंबर पॉइंट तीनों के इनसाइड लाई करता है, और शेल क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट मेरे इनसाइड लाई करता है तो सरफेस का और इनसाइड का पोटेंशियल की वैल्यू रिमेंस सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसीलिए आप चेक कर सकते हो, एक का रेडियस आर, एक का सरफेस का पोटेंशियल में रेडियस आर, एक के सरफेस में पोटेंशियल टू आर, एक के सरफेस में पोटेंशियल थ्री आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लेकिन जैसे ही मैं पॉइंट नंबर टू की बात करता हूं, टू पॉइंट फर्स्ट शेल से बाहर है, कितना बाहर है? बाय डिस्टेंस ऑफ आर, तो फर्स्ट शेल का कंट्रीब्यूशन माइनस जी एम वन बाय स्मॉल आर। लेकिन सेकेंड शेल के लिए पॉइंट नंबर टू उसके अंदर है, तो इसलिए जितना सरफेस का पोटेंशियल है एग्जैक्टली उतना, और थर्ड शेल के लिए भी अंदर है तो जितना सरफेस का पोटेंशियल है उतना इनसाइड, तो यहां तक इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन जब ये पॉइंट नंबर थ्री पे आ जाता है, अब पॉइंट नंबर थ्री दोनों अंदर फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल के बाहर है, कितना बाहर है? आर डैश, तो देखो इनमें आर डैश आ गया, लेकिन थर्ड शेल के लिए थर्ड नंबर पॉइंट इनसाइड है, तो थर्ड शेल की सरफेस का पोटेंशियल और इनसाइड रिमेंस, तो थ्री आर आएगा। और जब ये बिल्कुल सभी शेल से बाहर चला जाएगा ये पॉइंट, कितना? आर डबल डैश पे, तो फिर सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन आर डबल डैश, आर डबल डैश, आर डबल डैश। तो ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, हमने शेल्स और शेल्स की प्रॉब्लम्स की थी, हाउ टू कैलकुलेट ई एज वेल एज वी। तो एक आइडिया क्लियर है ई और वी कैसे निकलेगा इनमें? ठीक, फिर एक प्रॉब्लम थी अगर आपको याद हो, और वो प्रॉब्लम जो थी वो शीट नंबर 97, शीट नंबर 97 की लास्ट प्रॉब्लम थी,
जो मैंने आपको करवाई नहीं थी, इसी की वजह से तो ये थ्योरी लेके आया था मैं, क्योंकि शेल की प्रॉब्लम्स में आपको शेल के रिजल्ट नहीं पता थे, तो ये रिजल्ट मैं बता नहीं पाया था आपको। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं प्लीज। शीट नंबर 97 थी, एक क्वेश्चन पेंडिंग था हमारा शीट नंबर 97 का, ठीक। ठीक देखो, इसके अंदर क्या गिवन है आपको कि सपोज एक सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, एक सॉलिड स्फेयर है रेडियस कैपिटल आर है, मास कितना है एम है, कैविटी इज मेड ऑफ रेडियस आर बाई टू, इसमें हमने एक होल कर दिया, एक कैविटी कर दी, इसका मटेरियल निकाल दिया और बाहर फेंक दिया, तो खाली जगह है, और रेडियस कितना है इसका आर बाई टू, बचा हुआ मास कहां पर है, रिमेनिंग मास ये रहा, एक पॉइंट मास पड़ा हुआ था एम ये रहा। तो क्वेश्चन ये है कि जो बचा हुआ रिमेनिंग मास है वो इसके ऊपर अब कितनी फोर्स लगाएगा ये निकालो, ठीक। कहने का मतलब कि आपके पास ये एक स्फेयर था पहले जिसका मास एम था, इसके सेंटर से स्मॉल डी डिस्टेंस दूर आपके पास एक पॉइंट मास था, राइट, ये क्वेश्चन है। तो ये कोई स्फेयर इसके ऊपर फोर्स लगाता था, सही है, कितनी फोर्स लगाता था, जी एम इंटू एम बाई डी का स्क्वायर। हम ये पॉइंट मास का रिजल्ट इस पे लगा सकते हैं क्योंकि स्फेयर के लिए हमने ये सीखा था एक शॉर्टकट रिजल्ट कि स्फेयर के केस में वी कैन कंसिडर सेंटर ऑफ मास, हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यहां लगा सकते हैं, कोई डाउट इसमें। तो अगर मैं इन दोनों की फोर्स पूछूं तो आप बड़े आसानी से मुझे बता सकते हो क्या फोर्स है। क्वेश्चन चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन में कहा गया एक कैविटी कर दी, ये हटा दिया इसमें से, अब जो रिमेनिंग मास है वो कितनी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर ये बताओ। तो किसी ने ये सजेशन दिया कि हम ऐसा क्वेश्चन किया करते थे, मैंने कहा कहां, हम कहते सेंटर ऑफ मास में, मैंने कहा हाँ करते तो थे, तो कहता अब इसका सेंटर ऑफ मास बता दो कितना शिफ्ट हुआ, फिर लगा देते हैं वही रिजल्ट, नहीं लगा सकते क्योंकि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्फेयर पे लग सकता है, बचा हुआ मास किसी भी हालत में स्फेयर नहीं है तो नहीं लगेगा, राइट। तो इसका लॉजिक ये लगेगा, कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले फिर आगे चलते हैं। अगर मैं ये बता दूं आपको कि पूरा स्फेयर, अभी मैंने कुछ इसमें से निकाला नहीं, पूरा स्फेयर इमेजिन करो इसे अट्रैक्ट करता है बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, मान लो कुछ नहीं काटा, पूरे का पूरा स्फेयर है इसको अट्रैक्ट करता है बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, और अगर ये बता दूं कि अगर ये स्फेयर में से ये वाला पोर्शन देख रहे हो जिसको हमने कट कर दिया, तो कटा हुआ पोर्शन 100 न्यूटन में से अपना कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा था, सिर्फ 20 न्यूटन, मान लो 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन का जो कंट्रीब्यूशन था वो किसने दिया था, 20 न्यूटन का कंट्रीब्यूशन जो पोर्शन हमने कट करके बाहर निकाल दिया, राइट। पॉइंट नंबर वन क्लियर है कि मैंने इसमें ये कहा कि ये वाला पोर्शन, ये कटा हुआ पोर्शन इसे खींच रहा था विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन और टोटल स्फेयर खींच रहा था 100 न्यूटन, तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये बोल सकता हूं कि 80 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन इज 100 न्यूटन, मतलब कि ये वाला पोर्शन 20 लगा रहा है तो ऑब्वियसली 80 लगा रहा होगा ताकि टोटल क्या कितना बनेगा 100, तो पूरा स्फेयर कंप्लीट स्फेयर अगर 100 न्यूटन लगाता है, 100 में से ये वाला पोर्शन 20 लगाता है तो बचा हुआ पोर्शन कितना लगाता है 80 लगाता है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि रिमेनिंग पोर्शन की जो फोर्स है वो टोटल फोर्स में से इस कटे हुए पोर्शन की फोर्स को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग फोर्स आ जाएगी, कौन समझ में आया यहां तक, ठीक, लॉजिक क्लियर है। तो अगर मैं अब यही तो मैं निकालना चाहता हूं कि रिमेनिंग पोर्शन ने क्या फोर्स निकाली, तो अब एक काम करते हैं हम ना, सबसे पहले टोटल फोर्स निकालते हैं। टोटल फोर्स का मतलब जो पूरे स्फेयर ने, कंप्लीट स्फेयर ने लगाई थी बिना कुछ कटे, फिर हम फोर्स निकालते हैं कौन सा पोर्शन की, जो हमने पोर्शन को क्या कर दिया, कट कर दिया, फिर दोनों फोर्स को माइनस करके रिमेनिंग का आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया क्या लगेगा, कोई डाउट इसमें, ओके लॉजिक क्लियर है, ठीक। तो करें स्टार्ट, तो पहले टोटल फोर्स निकाले बिना काटे, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक स्फेयर है, कंप्लीट स्फेयर है, इमेजिन कर लेते हैं पूरे का पूरा स्फेयर है जिसका मास एम है
और पॉइंट मास से इसकी दूरी कितनी है सेंटर की, डी है, तो ये मास इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हम डायरेक्टली न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ लगा सकते हैं क्योंकि एक स्फेयर है, तो जी बड़ा मास छोटा मास बाय डी का स्क्वायर। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? ठीक, तो कंप्लीट स्फेयर की फोर्स आ गई। ठीक, इसको यहीं रोक के रखते हैं। अब एक काम करते हैं, अब मैं फोर्स किसकी वजह से निकालूंगा, इस छोटे स्फेयर की वजह से। ये जो छोटा स्फेयर है, ये छोटा स्फेयर इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है? मैं सीधा न्यूटन का लॉ छोटे स्फेयर का इस पे लगा सकता हूं क्योंकि ये भी तो स्फेयर है, लेकिन मेरे को डिस्टेंस लेना पड़ेगा इसके सेंटर से। तो अगर यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है डी, इसमें से ये डिस्टेंस कितना है आर बाई टू, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है डी माइनस आर बाई टू। तो मैंने एक अलग फिगर बना ली, लेकिन उस फिगर से पहले काम करते हैं, जो पोर्शन मैंने कट किया और फेंका उस पोर्शन का रेडियस कितना है आर बाई टू, है ना, जो पोर्शन को कट करके फेंक दिया उसका रेडियस आर बाई टू। तो अगर, और हाँ, क्योंकि स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का मास इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, अगर पूरा स्फेयर होता तो वॉल्यूम क्या होता, 4/3 πr³, तो मास क्या होता एम, वन के लिए क्या होता m/4/3 πr³, और जो पोर्शन को हमने कट किया उसका वॉल्यूम क्या है 4/3 πr² का³, तो उसका मास कितना आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आएगा m बाय, तो जो पोर्शन को हमने कट करके बाहर फेंका उसका मास कितना है m/8, है ना, ये तो निकालना जरूरी था, पता तो लगे मास क्या है। तो अब ये देखो, जो पोर्शन को कट करके फेंका उसका मास कितना है m/8, उस पोर्शन और उसके सेंटर और पॉइंट मास में डिस्टेंस अभी निकालना सिखाया, कितना था डी माइनस आर बाई टू। तो ये बताओ कि ये कटा हुआ पोर्शन इस मास पे कितनी फोर्स लगाएगा, जी m/8 × m डिवाइडेड बाय डी माइनस आर बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो एक फोर्स हमने टोटल स्फेयर की निकाल ली, एक हमने कटे हुए पोर्शन की निकाल ली, तो बचे हुए पोर्शन की फोर्स क्या होगी, टोटल फोर्स में से जो शुरू में निकाली थी इस फोर्स को क्या कर दें माइनस, माइनस करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। मेंस वालों ने क्वेश्चन पूछा था तो ये इसका ऑप्शन था, और नीट में भी आ सकता है, मेंस में भी, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज जैसा भी है मुश्किल नहीं है, एक दो बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? और ये जो प्रिंसिपल है जिसमें ये टोटल स्फीयर लेते हैं, टोटल स्फेयर की फोर्स निकालते हैं, छोटे स्फेयर की फोर्स निकालते हैं, फिर दोनों वेक्टर्स को माइनस करते हैं, इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोला जाता है फिजिक्स में, कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है वो ऐड करेंगे तो एक नया वेक्टर सेम डायरेक्शन में आएगा, और अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है उनमें से एक वेक्टर हटा देंगे तो टोटल में से इस वेक्टर को माइनस करेंगे तो बचे हुए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। वेक्टर का लॉ लगा रहे हैं, वेक्टर लॉ को लगाने को, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बट पॉइंट समझ में आ रहा है? वैसे बता रहा हूं, जब बुक्स पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको मिले ये लाइन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, तो घबराना नहीं, वेक्टर का रूल है, सिंपल है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? आइडिया क्लियर है कि इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है? कोई डाउट इसमें? यहां तक क्लियर है? ठीक, ओके। इस शीट के बाद